दोस्तों वेलकम है तुहाड़ा साडे चैनल माला मणके उत्ते। किताब अंतरझात लेखक नरिंदर सिंह कपूर, इसका चौथा लेख कपड़िया के अंदर वार। दोस्तों बहुत ही कमाल का टॉपिक, बहुत ही कमाल दियां गल्लां विच कही गई ने, सो वीडियो नू सारा जरूर देखियो, बहुत कुछ तुहानू पता लगन वाला है तो बहुत कमाल दियां गल्लां तुसीं इस लेख विच सुणोगे। सो हुण आपां वीडियो शुरू करदे हां। समुच्चे जीव जंतु जगत विच नंगे होने ते केवल मनुख है जिस नूं शर्म आउंदी है ते आउणी चाहीदी भी है। मनुख तो सिवाए समुचा जीव जंतु जगत नंगा होने दे बावजूद भी सानू नंगा जां कोझा प्रतीत नहीं हुंदा। मनुख रुतबे अते अहुदे दी निरंतर दौड़ विच रुझिया रहिंदा है। नंगे व्यक्ति तो उस दे रुतबे जां अहुदे दा अनुमान नहीं लाया जा सकता। कपड़े इह अनुमान लाउण विच साडी सहायता करदे हन। सारी कुदरत विच केवल मनुख नू अपने सोहणे होण दा भरम अते अपने कोझे होण दा तौख लांदा है। कपड़े उस दे तौखले नू लुकाउण अते उस दे भरम नू वधाउण दा कार्ज करदे हन। मनुख कोल जेकर कुछ अपना है तां उह वास्तव विच उस दा केवल शरीर है जिस नू उह कपड़िआं विच लुकाउण, प्रगटाउण अते शिंगारन आदि विच जीवन भर रुझिआ रहिंदा है। अपने जिसम तों बाहर आ के बोलना मना है अते अपने कपड़िआं नूं त्याग के रहण दी आग्या नहीं है। समाज सानू कपड़े पहनण लई प्रेरदा है। प्रेमिका अपने प्रेमी सामने कपड़े उतारन तों नहीं डरदी, नंगे होण तों डरदी है। अजोका मनुख उहनां तों डरदा है जिहड़े उस नूं नंगा करन जां उस दी असलीयत प्रगटाउण दी समर्था रखदे हन। कज्जण दी सभ्यता तन तक सीमित है, मन हले भी नंगा है। झूठ नूं कई परदे पाउणे पैंदे हन, सच सदा नंगा होके नचदा है। कपड़िआं अंदर असीं सारे नंगे हाँ, असीं सारे कपड़िआं दे ओले विच रहिंदे हाँ। साडे अते दूजिआं विचकार कपड़िआं दीआं कंधां हन। बहुत घट लोग हुंदे हन जिन्हां कोल समें दे मेच दी सोच हुंदी है जां जिन्हां ने अपने मेच दे जां ढुकवें कपड़े पहने हुंदे हन। काले कपड़े वांग कई बंदिआं दे भी कोई रंग नहीं चढ़दा, जिवें सरकार दे सिर ते लोकां दे रुस दा कोई प्रभाव नहीं पैंदा। जिवें छत दी ढलाण मीह कणी दे अनुसार हुंदी है, इवें ही लिबास पौण पाणी अनुसार बदलदा अते भारा हल्का हुंदा रहिंदा है। सूरज साडे पहरावे नूं निर्धारित करदा है। अजायब घरां विच शस्त्र उदों ही रखे जांदे हन जदों उह वरतण दे योग नहीं रहिंदे। इवें ही पेटियां विच जां परछत्तियां ते उही कपड़े रखे जांदे हन जिहड़े असीं कदी वी वरतणे नहीं हुंदे, पर जिहड़े किसे नूं देण दी साडे विच हिम्मत वी नहीं हुंदी। जिहड़े कपड़े सानू पूरे नहीं आउंदे उह बड़े हंडनसार हुंदे हन। जिहड़े कपड़े सानू पूरे आउंदे हन उहनां दा फैशन लंघ चुका हुंदा है। अक्सर वेख्या गया है कि साडे कोल दो प्रकार दे कपड़े हुंदे हन, एक उह जिहड़े असीं पाउणा नहीं चाहुंदे, दूजे उह जिहड़े पाउण लई सानू मजबूर होणा पैंदा है। अक्सर इह वी वेख्या गया है कि अपने कपड़िआं विचों असीं लगभग 20% कपड़े ही पहनदे हाँ अते बाकी दे लगभग 80% कपड़े सांभे ही जांदे हन। साडे घरां दे भांड्यां नाल भी इवें ही वापरदा है। लाइब्रेरियां विच भी लगभग 20% पुस्तकां ही पढ़ियां जांदियां हन, बाकी सांभण दे काम ही आउंदियां हन। दफ्तर विच भी लगभग 20% लोक काम करदे हन जदों कि बाकी दे लगभग 80% काम तों बचण लई अते काम नूं टालण लई भरपूर मिहनत करदे हन। अज कल संखेप कपड़े पाउण दा दौर है। कपड़े नित दिन होर संखेप हुंदे जा रहे हन। जिवें तंग जुत्ती पहनण नालों नंगे पैर तुरना सुखदाई हुंदा है, उवें ही अजोके युग विच तंग कपड़े पहनण नालों नंगा हो के नचना वधेरे सुखदाई कसरत बणदा जा रहा है। साडा युग कपड़े लाउण दा युग है, पर कपड़े खरीदे वधेरे जा रहे हन। जदों तक मन एक सुर नहीं होणगे उदों तक शरीरां दे बर वी नहीं मिलणगे। एक हीर ने अपना प्यार जतलाउण लई कपड़िआं दे मुहावरे विच अपने रांझे नूं कहा सी, मैं रेशम दी चुन्नी तूं लट्ठे दा थान वे। कईआं कोल कट पीस खरीदण दी ही समर्था हुंदी है, कईआं नूं सलवार दे नेफे लई होर कपड़ा वरतना पैंदा है। कईआं दे पौंझे सदा तंग रहिंदे हन, कईआं नूं बटन लाउण वाली जिंदगी भर नहीं लभदी। कई इस्त्रियां नूं उह नहीं लभदा जिस दे सामणे नवां सूट पा के उह पुछ सकण, क्यों जी मैं महाराणी लगदी हाँ कि नहीं। कईआं दी अकल दीआं सिउणा उदड़ियां ही रहिंदियां हन। कई उम्र भर पजामे वांग उपरों एक वचन ते थल्लेओं बहु वचन बणे रहिंदे हन। कईआं तों अनजाणे ही कुछ अजिहा हो जांदा है कि उहनां दी जीवन भर लई तह लग जांदी है। कई कपड़िआं वांग कई रिश्तिआं नूं भी खुंगी लग जांदी है।
रिश्तियां वांग कपड़ा कोई भी होवे समय दे बीतण नाल घस जांदा है, सुंगड़ जांदा है, रंग फिक्का पै जांदा है, उदड़ जांदा है, जिस दे हंडाउण ते इतराज कीता जांदा है। इस्त्रियां इसलिए वधेरे चमकदार रंगां वाले कपड़े पाउंदियां हन क्योंकि उन्हां नूं पता हुंदा है कि पुरश वेखदे वधेरे हन ते सोचदे घट हन। ਉਹ ਕੂਲੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਲਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਣੇ, ਭੋਲੇ, ਬੁੱਧੂ ਜਾਂ ਕੰਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਹਉਮੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। कपड़े साड़ी हउमे विच वाधा करन दा कारज निभाउंदे हन। हुण हर मनुख हर रोज एक नवा बंदा बन के निकलदा है। कपड़े दूजियां नूं अपनी शक्ति विखाउण दा एक हथियार भी हन। कपड़िया दियां कंपनियां हुण हर मौसम विच कपड़िया दी नवीं फसल उपजाउंदियां हन। उह चाहुंदियां हन कि सारा संसार सारा समां कपड़िया विच ही उलझिया रहे। फोटोग्राफी, फिल्मां, टैलीविजन आदि ने कपड़िया की कदे भी ना पूरी होने वाली अथाह भुख पैदा कर दिती है। जेड़े कपड़े सानू पसंद होंदे हन वह तो दूजिया ने पाए होंदे हन। विज्ञान, टेक्नोलॉजी अते पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था ने अनेक स्रोतों तो अनेक ढंगां नाल अनेक प्रकार का कपड़ा तैयार करन दे अमुक साधन पैदा कर दिते हैं। गहने अते सजावट दियां होर चीज़ां कपड़ियां दे संदर्भ विच ही खरीदियां पहनियां अते वरतियां जांदियां हन। अजोके युग दे लगभग हर घर विच औसतन बजाजी दी एक सधारण दुकान जितने कपड़े हुंदे हन। हुण घरां विच अलमारियां अते शैल्फां इस ढंग नाल बनाईयां जा रहियां हन तां जो कपड़िया दियां दुकानां नूं सहजे ही सीधा घरां विच लिआंदा जा सके। ज्यों-ज्यों कपड़े वधदे जा रहे हन उवें-उवें किहड़ा कपड़ा पहनिया जावे इस दा फैसला करना मुश्किल हुंदा जा रिहा है। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਠੀਕ ਸਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि कपड़ा सीते जान तक दर्जी दे मारे महंगे चक्करां कारण उस नूं पहनण दा चाह ते अवसर लंघ चुका हुंदा है। ये भी कारण है कि दर्जी नूं जो मर्जी समझाओ वह कपड़े नूं तुहाडी लोड़ अनुसार नहीं सगों उवें ही सीवेगा जिवें उस नूं सीना आउंदा है। ये भी वेख्या गया है कि दर्जी दे सीते कपड़े साडी उम्र विच कुछ साल जोड़ दिंदे हन, जदों कि तैयार कपड़े पहनण नाल असीं अपनी उम्र तों कुछ साल घट उम्र दे अते चुस्त प्रतीत हुंदे हां। असीं अपनी प्रसन्नता अते दुख भी कपड़िया नाल प्रगटाउंदे हां। ब्याह विच इस्त्रियां चमकीले कपड़े पाउण कारण सधारण नैण नक्शां दे बावजूद सोहणियां लगदियां हन, जदकि किसी के मरण उपरंत भोग उत्ते क्रीम रंगे जां चिट्टे कपड़े पाउण कारण वह सोहणियां होण दे बावजूद समें दी लोड़ अनुसार सादियां अते सधारण लगदियां हन। जिन्हां नूं अपने आप ते भरोसा नहीं हुंदा जां जिहड़े अपने औगण जां भेत नूं छुपाउणा चाहुंदे हन उह वधेरे कपड़े पहिणदे हन। जिन्हां विच आत्म विश्वास हुंदा है उहनां नूं ना बहुते कपड़े चुकण दी ते ना पहनण दी लोड़ पैंदी है। प्रसिद्ध व्यक्ति सधारण कपड़िआं विच वधेरे प्रभावशाली लगदे हन। जदों कोई व्यक्ति प्रसन्न होवे उस नूं सारे कपड़े फब्बदे हन। चेहरे दी मुस्कुराहट सादे कपड़िआं नूं वी प्रभावशाली बना दिंदी है। असीं किसे व्यक्ति दे कपड़िआं वल उदों तक ही ध्यान दिंदे हाँ जदों तक उह बोलदा नहीं। उस दे बोलण उपरंत असीं उस दी लियाकत नूं नापदे तोलदे हाँ। जिथे हर कोई बोल रहा होवे उत्थे चुप व्यक्ति वल ध्यान दिता जाएगा। जिथे सारिआं ने ही रेशम पाया होवे उत्थे खादी दे कपड़े पाउण वाले दी प्रशंसा होवेगी। बहुत महंगे कपड़े पाउण वाले भी प्रशंसा सादे कपड़िआं दी ही करदे हन क्योंकि सादे कपड़े सुख दिंदे हन। साडा हर कपड़ा किसी ना किसी रंग नूं प्रगटाउंदा है। नीला अते हरा ठंडे रंग हन, जदों के लाल निग्घा रंग है। सर्दियां अते गर्मियां विच रंग ही वक्खरे नहीं हुंदे, कपड़िआं दी बणतर भी वक्खरी वक्खरी हुंदी है। कपड़े मौसम अनुसार ही नहीं साडी मानसिक स्थिति अनुसार भी पहने जांदे हन। जिहड़े झटपट नवें फैशन नूं अपना लैंदे हन उह डूंघी सोच दे मालक नहीं हुंदे। जिन्हां दी कलाकारां, संगीतकारां, कविया आदि वांग अपनी नवेकली सोच हुंदी है ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
समाज के वधेरे अमीर लोग सदा परंपरागत कपड़े पहनते हैं क्योंकि उन्हां तो उपर होर कोई नहीं हुंदा जिन्हां नूं उन्हां ने अपने कपड़े विखाउणे होण। बचपन अते जवानी विच सारे कपड़े फबदे हन क्योंकि बचपन जां जवानी सारे कपड़ियां नूं फबवें बना दिंदी है। स्कूल, हस्पताल, पुलिस अते फौज विच वर्दी इसलिए पहनी जाती है तां जो एके जां जथेबंदी का प्रभाव उसारिया जा सके। वर्दी सानू माड़ा विहार करन तो रोकदी है अते साडा रूप वधाउंदी है। वर्दी साडा संस्थानक विहार निर्धारित करदी है। इस नाल साडे समय की बचत हुंदी है। सानू कपड़े पहनण समय कपड़ियां की चोण करन विच समा व्यर्थ नहीं गवाउणा पैंदा। इवें ही साडे नाल काम पैण वाले लोगों का साडे कपड़ियां वल उचेचा ध्यान नहीं जांदा। जदों असीं गूढ़े रंगां दे कपड़े पहनदे हाँ तां साडे कपड़े पहलां वेखे जांदे हन अते असीं मगरों विखाई दिंदे हाँ। हल्के रंगां वाले कपड़ियां वाले व्यक्ति दे चेहरे नूं पहलां वेख्या जांदा है अते कपड़ियां वल ध्यान मगरों जांदा है। पहलां कपड़े पाए जांदे सन दूजियां तों प्रशंसा प्राप्त करन लई। फिर ये पहनण दे पिछे भावना दूजियां नूं हैरान करन दी सी, पर अजकल कपड़े इस उद्देश नाल पहने जांदे हन तां कि वेखण वालियां नूं सदमा पहुंचे जां झटका लगे, अर्थात उह वेखदे ही रह जाण। जवान पुरशां इस्त्रियां दा जीवन पहले नालों हुण वी वधेरे सुतंत्र अते वधेरे बेमुहार है। हुण वधेरे कपड़े पहनण अते मेल गेल दे अवसर वधेरे हन। हुण गलत फैसले करन दे अवसर भी वध गए हन। हुण सहेलियां अते दोस्त उह बनाए जांदे हन जिन्हां दे कपड़ियां दा मेचा इको जिहा होवे। अजोके युग विच कपड़ियां वांग रिश्ते भी वन सवन्ने हो गए हन जिहड़े फैशन वांग बदलदे जांदे हन। हर नवां फैशन हर नवें रिवाज जां धर्म वांग पहले दे प्रतिकर्म विचों उपजदा है। पहला इस्त्री नूं उपर तों थले तक वधेरे तों वधेरे कपड़ियां विच लुकाया जांदा सी। हुण उस नूं अवसर मिलिया है, वह सारे कपड़े लाउण लई काली पई हुई है। आनंद सदा भुलेखियां विचों मिलता है। जिवें मैनूं भुलेखा है कि वह मैनूं प्यार करदी है, इवें ही उस नूं यह भुलेखा हुंदा है कि उस नूं यह सूट बहुत जचदा है। किसी नूं भुलेखा हो सकता है कि तंग लिबास उस नूं बहुत फबदा है। हर किसी नूं वक्खरी भाण दा भुलेखा हुंदा है। मनुख की सब तो वधेरे चिंता उसकी अपनी मैं बारे हुंदी है। कपड़े इस मैं दे आले दुआले लपेटे जांदे हन। इस मैं नूं जां कपड़िया की भुख नूं शांत करना मुश्किल हुंदा जा रहा है। कईआं दे कपड़े उन्हां दी शख्सियत उत्ते भारू हुंदे हन। उंज तां साडा शरीर वधेरे करके कच्चिया हुंदा है, पर साडे शरीर का सब तो वधेरे प्रभावशाली भाग साडा चेहरा नंगा ही हुंदा है। जे शरीरक सुंदरता दे पक्खों ना वेख्या जावे तां साडे पैर चेहरे नालों भी वधेरे महत्वपूर्ण हुंदे हन। चेहरे नालों वध संभाल के रखने चाहिए हैं, पर यह तां ही संभव होगा जे मनुख विच तर्कशील ढंग नाल सोचण दी योग्यता होगी। कपड़िया के पक्षों अजोके युग में सादा अते सधारण होना लगभग असंभव हो गया है। महंगे कपड़िया नाल अपनत्त, हमदर्दी अते स्नेह नहीं उपजाया जा सकता। कपड़िया विच भी पुन पाप, नैतिकता, सत्कार, साड़े, ईरखा अते अपमान आदि भावना प्रगट हुंदी है। असी अपने कपड़िया राही पछाणे अते जाने जाना चाहते हाँ, इसलिए असी दूजियां नूं भी उहनां दे कपड़िया तो ही मापदे तोलदे हाँ। साडे देश विच खादी का कपड़ा सादे, त्यागी अते पवित्र लोगों के पहरावे वजों मन्निया जांदा सी, पर राजसी अते भ्रिष्ट लोगों वल्लों खादी अपना लए जाण कारण यह पहरावा बदनाम हो गया है। जिथे मुनाफे उत्ते कोई रोक नहीं हुंदी, उत्थे कानून बेबस हुंदे हन। जिस समाज विच नैतिकता कमजोर हुंदी है, उत्थे ईमानदारां अते भले मानसां की कोई कदर नहीं हुंदी। जिस समाज विच कपड़िया संबंधी कोई नियम नहीं हुंदे, उत्थे बहुत सारा समा व्यर्थ गवा जांदा है। उत्थे मानसिक विकास की रफ्तार ढिली अते सुस्त हुंदी है। असी बहुत सारे कपड़े अपनी मानसिक गरीबी छुपाउण लई वरतदे हाँ। इस्त्रियां ते पुरशां दियां सौण, पढ़न, खर्चण, वर्तन अते पहनण दियां आदतां वख-वख हुंदियां हन। इस्त्रियां कपड़े की हंडनसारता के मुकाबले फैशन अते उसकी दिख नूं वधेरी तरजीह दिंदियां हन, जदकि पुरश दिख के मुकाबले कपड़े की हंडनसारता उत्ते वधेरे बल दिंदे हन। हुण कहा जा रहा है कि दवाइयां वांग कपड़िया उत्ते भी उन्हां नूं वरतण की अंतम मिति छाप दित्ती जावे तां जो लोगों नूं नवें कपड़े खरीदण विच कोई कठिनाई ना आवे। जिहड़े कपड़े सानूं सुख दिंदे हन उह कीमती नहीं हुंदे, फैशन मनुखां वांग हुंदे हन। कोई नहीं जानता कि यह कितों किवें अते कदों आ जाते हैं, अते कोई नहीं जानता कि यह किवें अते कित्थे चले जाते हैं। कपड़िया नाल पुरशां दे मुकाबले इस्त्रियां दा संबंध वधेरे है।
पुरशां दे मुकाबले इस्त्रियां दे कपड़े वधेरे पेचदार अते वधेरे विस्थार वाले हुंदे हन अते वधेरे ध्यान मंगदे हन। पूंजीवाद ने फैशन नूं वधाया है, इस पिछे निरोल वपारक दृष्टि कार्यशील है, इसे लई किसे फैशन नूं लंबे समय लई टिकाया नहीं जांदा। जदों मनुख दीआं बुनियादी भुखां शांत हो जाण तां उस विच सहज सुआद दीआं भुखां जाग पैंदीआं हन। खेतां खतानां विच काम करन वालिआं ने अपना केवल लक ढक्किआ हुंदा है, जदों ओह होरां नाल रल के परिवार जां कबीले विच रहिंदे हन तां उहनां नूं बाकी दा शरीर भी ढकणा पैंदा है। जदों लोक एक धर्म कौम जां समाज दा रूप धार लैंदे हन तां ओह सांझी पछाण लई निर्धारित लिबास पहनदे हन। गर्म पौण पाणी, ठंडा पौण पाणी जां समुंदर दे कंढे समतल पौण पाणी जन समूह दे कौमी जां समाजिक लिबास नूं निर्धारित करदा है। कपड़े पहने भावें समाजिक लोड़ वजों शरीर ते जांदे हन पर इन्हां नूं पहनण दी तसल्ली मन नूं मिलदी है। किसी भी समाज का आहार वसेबा अते पहरावा उस समाज की नवेकली सोच भंगोलिक इतिहासिक कारणां आदि उत्ते उसरिया हुंदा है। साडा समाज अते सभ्याचार साडे कपड़िआं राहीं झलकदा है। कोई कपड़ा जिस वर्ग लई बनाया जांदा है उस कपड़े का महत्व अते मुल उस कपड़े की लागत अनुसार नहीं उस वर्ग की कपड़ा खरीदण अते वरतण की समर्था अनुसार निर्धारित किया जाता है। जदों रिश्तियां विच निघ ना रहे, जदों बंदे धोखेबाज हो जाण तां तसल्ली वस्तां अते विशेष करके कपड़िआं विचों लभण दा उपराला किया जाता है। जदों जज्बे ठंडे पै जाण तां उहनां नूं अक्सर भड़कीले फैशनदार कपड़िआं नाल गरमाउण दा यतन किया जाता है। फैशन राही परिवर्तन अते विकास दा भुलेखा सिरजिआ जाता है। फैशन राही खुशहाली दा भरम उपजाया जाता है। फैशन राही मनुख नूं होर नीवा किया जाता है, उस नूं एक वस्त बनाया जाता है। जदों मनुख दे अंदर चानण होवेगा तां उस वेले महावीर अते बुद्ध वांग उस दी सोच कपड़िआं तों उच्ची उठ जाएगी। हर मनुख गुंझलदार कपड़िआं विचों लंघदा होया अंत नूं सादे कपड़िआं लई तांगेगा। जिन्हां दे अंदर सूरज है उहनां नूं किसे ओले दी लोड़ नहीं हुंदी। जिन्हां दे अंगां विच नैण नक्शां विच रौनक हुंदी है उहनां नूं महंगे कपड़िआं दे जंतर मंतर दी लोड़ नहीं पैंदी। सो इस दे नाल ही दोस्तों ये लेख खत्म हुंदा है। फिर मिलांगे एक नवें लेख नाल।